आप लोग परिचित नहीं होंगे, यमुना मिशन को आपने कार्य करते देखा हुआ। ठाकुर जी ने जो कृष्णावतार धारण किया है ये केवल प्रकृति संरक्षण के लिए किया है, और आपने कृष्ण भगवान में श्रद्धा रख करके भी प्रकृति के प्रति आपने श्रद्धा नहीं रखी, प्रकृति का संरक्षण नहीं किया, और इस मानव तन लेते हुए भी अगर एक वृक्ष आपने नहीं लगाया तो आपका मानव जीवन व्यर्थ है। अब आप कहोगे महाराज हमारे घर में कोई जगह ही ना है, कैसे कहा लगा मैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। पहले और आज ज्यादा इनके महाराज कार्यों के विस्तार तो ऐसे हैं कि पूरे दिन बोलते हुए इतने सुंदर कार्य हैं। तो अगर आप कोई भाई बहन वृक्ष लगाने को आपको नहीं है तो यहाँ सब में बड़ी चीज है, ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, किसी को एक पैसे देने की जरूरत नहीं है। यमुना मिशन के लोगों से संपर्क करें, इन्होंने गिरिराज जी में चाहे तो गिरिराज जी में लगाएं, और यमुना के तट पे चाहे तो यमुना तट पे लगाएं, जहां जाके भी आप वृक्ष लगा सकते हो, आपको पूरी व्यवस्था है। इनके माध्यम से आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। प्रकृति और परमात्मा में भेद नहीं है, और जो व्यक्ति प्रकृति परमात्मा में भेद समझे मैं समझता हूं उन्हें जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती है। प्रकृति की सेवा करोगे तो साक्षात परमात्मा की सेवा होगी। जैसे आपकी नजर में एक पेड़ की क्या वैल्यू है, आपसे मैं पूछूं तो ज्यादा से ज्यादा आप कहोगे 5,000-10,000, इससे ज्यादा पेड़ की कीमत नहीं लगाओगे। लेकिन पेड़ की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसके घर में कोई बीमार हो गया हो और उसने हॉस्पिटल में ले जा करके अपने परिचित को ऑक्सीजन लगवाई हो, उसे बताए कि एक घंटे की ऑक्सीजन का कितना पैसा देना पड़ता है। एक पेड़ एक पत्ते से एक मानव जीवन की ऑक्सीजन देता है। तो महाराज आप लगाओ, मैं ज्यादा गणित के नहीं हूं, लेकिन मैं अगर गणित लगाऊं पत्तों की कीमत से ही, तो पत्तों की कीमत अलग है, तने की और लकड़ी की कीमत अलग है। खाली पत्तों से ही एक पेड़ की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए बैठती है। अगर आप ऑक्सीजन का आंकलन करोगे बंसल जी, तो एक व्यक्ति जो पत्ता ऑक्सीजन देता है, लेकिन हम लोग सहज भी उसे काट देते हैं। अपने बाप को हम इस भारत भूमि का, इस ब्रज भूमि का पुत्र कहते हैं, और हमारी इस माँ के अन्य बेटे और हैं जो ब्रज हैं, वह इस माँ के शरीर को तन को ढकते हैं, और हम लोग अपने आप को पुत्र कहने में लज्जित नहीं होते हैं, उसी माँ के पेटों को काट करके अपनी माँ को नग्न अवस्था में लाते हैं। तो हमें समझना चाहिए प्रकृति की सेवा जरूर करनी चाहिए, जहां चाहो जैसे चाहो। यमुना मिशन के आप फेसबुक पेज से और यूट्यूब से कार्यकर्ता यहाँ भी होंगे, सब होंगे, इनसे संपर्क करके आप लोग जुड़ सकते हो। यहाँ हमारे बड़े सेवक गिरी गोवर्धन समिति के भी व्यापार मंडल के लाला जी हैं, मैं इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग सेवा तो करते हो यमुना मिशन के सानिध्य में करोगे तो आपकी सेवा दिन दूनी नहीं न जाने कितनी गुनी बढ़ेगी। इसके साथ में महाराज दाऊ जी ने कहा, यमुना मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईश्वर, प्रकृति और यमुना जी से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए।